जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए विदेशी दल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। आज इस दल ने जम्मू के उपराज्यपाल सहित कई अधिकारियों और लोगों से मुलाकात की और यहां की स्थिति का जायजा लिया। मध्य वर्ग के स्तर पर स्कूली बच्चों के बीच खेल की गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने जिला पुंछ के सरकारी मिडिल स्कूल में स्पोर्ट्स किट्स का वितरण किया। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भारतीय सेना द्वारा सड़क जागरूकता सुरक्षा शिविर लगाया गया, जिसमें बैनर के माध्यम से सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंकुश अब्रॉल ने पीडीडी डिपार्टमेंट के कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। भद्रवाह में रेडियो स्टेशन के साथ चोबिया लिंक रोड पर नाली के निर्माण की लंबी समय से लोगों की लंबित मांग को देखते हुए आरएनबी डिपार्टमेंट ने लोगों को सुविधाएं देने के लिए इस महीने के अंत तक जल निकासी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2400 घंटे काम शुरू कर दिया है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। 4 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज सड़कों से उतरकर पहुंचा रेलवे ट्रैक पर। वार्ड नंबर 24 रिहाड़ी कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सर शर्मा ने 300 वार्ड वासियों के बीच किया गोल्डन कार्ड का वितरण।